आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल। दोस्तों, सबसे पहले तो नमन उन शहीदों को जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। अभी बीते दिनों आप सभी को पता है गलवान घाटी में जो हुआ, हमने अपने रणबांकुरों को खो दिया और वो इस देश के लिए कुर्बान हो गए। और उसके तुरंत बाद तमाम सामाजिक संस्थाएं, तमाम समाज के हिस्से चाइना के विरुद्ध एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम बायकॉट चाइना दिया गया। तमाम लोगों ने अपीलें की, सोशल मीडिया एक किस्म से भर गया, हर आदमी ये कहता हुआ नज़र आया कि चाइना का बहिष्कार करो, चाइना के माल का बहिष्कार करो। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपने घरों में जो रनिंग कंडीशन में उनके टेलीविज़न चल रहे थे, एक गुजरात का मैं देख रहा था वीडियो एक न्यूज़ चैनल पर, उन्होंने उस टीवी को ज़मीन पर पटका बाहर और सभी लोगों ने मिलकर उसे तोड़ दिया। तो कुछ ने कहा कि जो चाइना प्रोडक्ट है उनको हम नहीं खरीदेंगे। तो अब सवाल ये उठता है, क्या इस तरीके की कोशिशें करके हम चाइना को ये बता सकते हैं कि हम उससे नाराज़ हैं? और क्या हमारे बायकॉट चाइना का जो ये नारा है, इससे चाइना की कुछ भी अर्थव्यवस्था पर कोई फ़र्क पड़ेगा? ये सोचने का विषय है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो मैं समझता हूँ, हम एक भेड़ चाल का हिस्सा हो चुके हैं। जब भी ऐसी कोई मूवमेंट होती है, कोई ऐसी देशभक्ति की कोई ओतप्रोत कोई बात होती है, देश पर जब भी कोई बात आती है, तो कहीं ना कहीं 2, 4, 6, 10 दिन के लिए हमारे अंदर देशभक्ति जागती है और एक सोशल मीडिया पे एक हम पूरा कैंपेन चला देते हैं और कहीं ना कहीं पूरा ज्ञान अपना जो है वो सोशल मीडिया पर उलट देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या वहाँ उल्टा हुआ वो ज्ञान हमारे किसी भी तरीके से काम आएगा? ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, इन पर जितनी भी हम क्रांति कर रहे हैं, क्या वो सच में दिशा परिवर्तन का कोई रोल अदा करेगी? इसका जवाब अमूमन ना ही निकलता है दोस्तों। लेकिन हाँ, एक बात सच है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा जरिया बन रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं। मैंने भी कुछ वीडियो सुनी जिसमें चाइना के बहिष्कार के बारे में बहुत कुछ था। अब मैं खुद इस वीडियो को बना रहा हूँ, कुछ और लोग ऐसे विचार रखेंगे, तो हम सब क्या कर रहे हैं? हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस और एक ब्लाइंड कि हम कॉपी और पेस्ट करें, हम चीज़ों को बस फॉरवर्ड कर दें, क्या उससे कोई स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा? तो दोस्तों, यहाँ एक क्लियर बात आप समझिए, अगर हम चाइना की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसका सारा का सारा जो माल है वो हम खरीदते हैं, सारा का सारा इंडिया खरीदता है। हम बड़े कंज्यूमर ज़रूर हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उसकी सप्लाई है। तो सिर्फ एक कंज्यूमर के नाराज़ होने से शायद उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, यहाँ हम बड़े कंज्यूमर हैं ये मैं कहना चाहता हूँ। 130 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, और एक इतना बड़ा कंज्यूमर अगर नाराज़ होगा तो ज़्यादा बड़ा ना सही, उसे एक छोटा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, और उस छोटे फ़र्क के लिए तो हम ये काम कर ही सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बोलने से होगा? बिल्कुल भी नहीं। या फिर इस तरह से होगा कि जो चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद हैं उनको उठा उठा के फेंक फेंक के तोड़ दिया जाएगा तो समझो चाइना की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी? ऐसा कैसे होगा, आप खुद बताएं। अरे, जो चीज़ें हमारे पास हैं उसका पैसा हम पे कर चुके हैं, वो हमारे पास हैं, अब उनको डिस्ट्रॉय करके सिर्फ और सिर्फ हम अपना नुकसान करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर नुकसान सही मायनों में करना है तो आप आगामी और चीज़ें उनसे ना खरीदें। इस दिशा में सरकारें भी प्रयास कर रही हैं, सरकार ने कुछ एक टेंडर रद्द भी किए हैं, लेकिन शायद सरकारों के प्रयास ना काफ़ी हैं, या शायद वो कुछ उनकी डिप्लोमेसी के चलते या कुछ संधियों के चलते वो ओपनली इस तरह के प्रयास नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे में तमाम देश के नागरिकों की जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसी चीज़ों का विरोध करें, ऐसी चीज़ों को रोकें, उनका बहिष्कार करें। लेकिन अब बात ये उठती है कि बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन क्या सिर्फ बहिष्कार करने से काम चल जाएगा? क्योंकि बहिष्कार करें तो हम सभी कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना कि बहिष्कार करने के बाद होगा क्या? क्या हम इतने साधन संपन्न हैं? क्या हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं? अगर हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं तो हम चाइना से ले क्यों रहे हैं? और अगर हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो क्या बहिष्कार करने से पहले पहले हमें उसके लिए अरेंजमेंट नहीं करना होगा? या हमारे पास वो चीज़ें हैं लेकिन हमने उनको प्रमोट नहीं किया है किसी ना किसी लालच के चलते, क्योंकि चाइना से शायद हमें थोड़ा सस्ता मिल जाता होगा? तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें हैं, और इन बातों का सिर्फ और सिर्फ जो वैकल्पिक रास्ता है वो सिर्फ एक है कि हम अपनी जो युवा शक्ति है उसको पहचानें, उसको आगे लेकर आएं, उसको ये जिम्मेवारियां दें कि वो कुछ इस देश की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन करने के लिए कुछ करें।
मैं एक यूनिवर्सिटी में फैकल्टी भी हूँ, मैं NSS कोऑर्डिनेटर भी हूँ, और उस ग्रुप में जिस NSS के जो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे थे, मैं उसको आराम से पढ़ रहा था। उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि बच्चों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से को एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए क्या किया गया? उस गुस्से को क्या सिर्फ इतना कि जो चीज़ें पड़ी हैं वो तोड़ दी जाएं, या राजनीतिक पार्टियों की तरह जो होल्डिंग्स हैं उन पर कालिख पोत दी जाए और अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग्स आ जाए कि हमने फला जगह होली जला दी चाइना के सामान की, फला जगह कालिख पोत दी, और उससे परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। आज ही बड़ा एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैं देख रहा था, मैंने कुछ नोट डाउन किया, उसमें से आप लोगों के लिए बताऊं, और शायद ये मतलब हम सबके लिए शर्म की बात है, बहुत से कम लोगों को इस तरह की चीज़ें पता होती हैं, या शायद हमारे देश की जो मीडिया है वो ये चीज़ें हमारे तक पहुंचाती ही नहीं है। आपको मैं बताऊं, दर्शन कोहली, मध्य प्रदेश का एक 14 साल का लड़का, जिसने सिर्फ अपनी माँ की तकलीफ़ को देखते हुए अपने घर पे मात्र 1700 रुपये खर्च करके एक वॉशिंग मशीन बनाई, लेकिन क्या ये बात आगे सब तक पहुंची? क्या ये प्रेरणा बन पाई तमाम लोगों के लिए? नहीं बन पाई। क्या उसकी इन्वेंशन को इतना बड़ा आकार मिला? नहीं मिल पाया। क्यों? कहीं ना कहीं उसको दबा लिया गया, कहीं ना कहीं वो छोटे से स्तर पर वो अपने आप अपने प्रयास किए, उसने कामयाब हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं हमारे बीच जो निरंतर प्रयास करते हैं, ढेरों बार फेल होते हैं, तो क्या उनको कोई सपोर्ट है? क्या रिसर्च के लिए किसी तरह की क्योंकि मदद दी जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। फिर बात आती है कुलदीप टाक की, हरियाणा से। मैं खुद हरियाणा से हूँ, और बड़े दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे ये आज एक वीडियो से ये पता चला कि हमारे हरियाणा से कुलदीप टाक एक भाई ऐसे हैं जिन्होंने बाइक के इंजन से पैराशूट अटैच करके एक हेलीकॉप्टर बनाया है जो सिर्फ 1 लीटर में 12 किलोमीटर उड़ सकता है 10,000 की फीट ऊंचाई तक। कहाँ पता था ये? हमारे बीच एक उद्धव करके हैं आसाम से, उन्होंने अनार को बिना छुए उसके एक एक दाने को निकाल कर छील कर बाहर बिल्कुल दाने निकालने के लिए उन्होंने मशीन बनाई है। आसाम से हैं, नासा ने उनको इनोवेशन के लिए प्राइज दिया है, लेकिन क्या हम भारतीयों को इन लोगों के बारे में पता चलता है? क्या हमारी यूनिवर्सिटियां इनके बारे में पढ़ाती हैं? क्या हमारी यूनिवर्सिटियों में एज ए गेस्ट लेक्चरर ये लोग कभी आते हैं कि अपनी इनोवेशन शेयर कर सकें? क्या हमारा बच्चा कुछ इनोवेटिव सोचता है? इसका जवाब शायद ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि मुझे ये ऐसा नहीं है, कुछ सोचा है तभी तो ये सब हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं, 100 के 100% की बात नहीं हो रही यहाँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल आज भी ऐसा है जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के एक भ्रम जाल में फंसकर अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ वेस्ट कर रहा है। बायकॉट चाइना लिखो करो, अच्छी बात है, लेकिन पैरेलल देखिए, आप एक रेस की अगर बात करें, आप एक बिजनेस की बात करें, चाइना भी कोई प्रोडक्ट बना रहा है, अगर इंडिया भी उसी प्रोडक्ट को उसी उसी कीमत पे बनाएगा तो जाके शायद कहीं ना कहीं हम कहीं इंटरनेशनल या नेशनल मार्केट में अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन ये होगा कब? हमारे यहाँ सरकारों ने अच्छी बात है नारे दिए हैं, आत्मनिर्भर भारत की भी बात हुई, आत्मनिर्भर बनने की भी बात हुई, लेकिन वो बात धरातल तक क्या सच में पहुंची? नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची? यहाँ कौन जिम्मेवार है? क्योंकि देखिए, मैं औरों पर टिक्का टिप्पणी करूं उससे पहले, एक शिक्षक होने के नाते ये जिम्मेवारी पहले मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक एक ऐसी पावर है जिसके गोद में बिल्कुल निर्माण जो है पलता है, जो दिशाएं बदलता है, दशाएं बदलता है। वो शिक्षक अगर वो नहीं जागेगा तो शायद ये बातें आगे नहीं बढ़ेंगी। और यहाँ कोशिश ये है कि जब हम ऐसी कोई बात रखते हैं, ऐसी कोई सोच रखते हैं, तो सोच को पहले अपने पर लागू करें, फिर औरों पर लागू करें, तभी ये हमारा सही मायनों में निर्णायक होगा। उससे पहले हमें अपने में कुछ अमूल चूल बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप चाइना को बायकॉट करते हो वो ठीक है, लेकिन चाइना की चीज़ें आपने बहिष्कार कर दी, अच्छी बात, लेकिन उसकी फिलोसफी तो सीखिए, उसकी सोच तो देखिए, वहाँ टाइम की पंक्चुअलिटी क्या है आप उसको तो समझिए। वो लोग अपने काम को काम के तरीके से करते हैं, वहाँ टेक्निकल एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा काम होता है, वो लोग अपने लोगों को समय की अहमियत करना सिखाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक कैजुअल वे है, यहाँ समय की इज्जत कोई भी नहीं कर रहा। अगर हम समय की इज्जत नहीं करेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली समय हमारी इज्जत नहीं करेगा। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन इस उम्मीद और इस आशा के साथ कि मेरे जो नौजवान साथी से सुन रहे हैं, देखिए अक्सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लेकिन यहाँ आज मैं सिर्फ एक एक रिक्वेस्ट करूँगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक आप करें, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन हाँ,
यहां मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो की एक लाइन भी आपको अच्छी लगे तो अपने आप में बदलाव करने की शुरुआत कर ले दोस्तों, क्योंकि हम जब तक खुद नहीं बदलेंगे, जब तक हम नहीं बदलेंगे तो देश नहीं बदलने वाला, देश हमसे है। हम इस भरोसे ना रहें कि सरकारें हमारे लिए कुछ करेंगी, सरकारों में जो नेता होते हैं उन्हें हम ही चुनते हैं, सही या गलत वो भी हमें अच्छे से पता है, उनको चुना भी हमने है, तो जिम्मेवारी किसी और की बनती भी नहीं। अब किसी को ये कहना कि वो काम नहीं कर रहे, वो कहना कि ये काम नहीं कर रहे, तो दोनों ही बातें गलत हैं। हमारे ही चुने हुए लोग हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे तो गलती हमारे अंदर है, हमने उन्हें चुना। तो खैर, ये एक लंबा विषय हो जाएगा, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे फुर्सत से, लेकिन आज के लिए बस इतना ही दोस्तों कि बायकॉट चाइना करें, प्रोडक्ट्स ना लें, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ पैरेलल जो भी मेरे भाई इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे भाई आईटी से जुड़े हुए हैं, वो पैरेलल चीज़ें जो भी टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ पैरेलल अपने लिए भी करें, और जो हमारे देश की ऐसी प्रतिभाएं जिनके मैंने अभी आपको नाम गिनवाए वो ग्लोरीफाई हों, वो हर बच्चे तक पहुंचे। जो आसाम का जो शख्स कुछ अच्छा कर रहा है वो हरियाणा के एक छोटे से स्कूल के बच्चे तक पहुंचे, जो हरियाणा का एक शख्स अच्छा कर रहा है वो गुजरात, आसाम, बिहार के छोटे छोटे स्कूलों के बच्चों तक पहुंचे। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है दोस्तों, बड़ी से बड़ी कंपनी में भारतीय हैं, भारतीय काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमारे यहाँ वो काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि माहौल की कमी है। वो माहौल देना जिम्मेवारी सरकारों की है, और उस चीज़ को लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेवारी हमारी और आप लोगों की है, तभी हम सही मायनों में देश को बदल पाएंगे, देश के हालात बदल पाएंगे, नहीं तो आए दिन सरहदों पर यही होता रहेगा। हम यूं ही दो दिन देशभक्ति की भावनाओं में बहेंगे, दो दिन जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, और शायद दो दिन बाद फिर से कोई नई खबर आ जाएगी, नई सनसनी होगी, मीडिया के पास ब्रेकिंग न्यूज चेंज हो चुका होगा, और फिर हम किसी नई चीज़ पर डिबेट कर रहे होंगे। ये कब तक चलेगा दोस्तों? अब ज़रूरत है, अब वक्त है इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु रहेगा, लेकिन उस विश्व गुरु को, विश्व गुरु की जो उपलब्धि है, उपलब्धा कराना है, लोगों तक पहुंचाना ही है, वो बातें वो आपके युवा साथियों पर, आपके युवा जोश पर डिपेंड करती है, आपकी सोच पर डिपेंड करती है। तो मैं अपने यूनिवर्सिटी के और भी अन्य यूनिवर्सिटियों के तमाम स्टूडेंट और शिक्षक साथियों से आग्रह करूँगा कि वो बच्चों को वो एजुकेशन दें जो उन्हें कहीं ना कहीं फ्यूचर में स्टैंड कराए। एक किताबी ज्ञान के अलावा उनके पास वो सब कुछ हो, वो सब कुछ कि जिससे वो इनोवेशन को बढ़ावा दें, वो रिसर्च को बढ़ावा दें, तभी हम सही मायनों में विश्व गुरु की जो मैंने बात कही वो स्थान अपने आप अपने दम पर हासिल कर पाएंगे, और फिर शायद हमें किसी भी और देश की ज़रूरत नहीं होगी। फिर क्या चाइना और क्या चाइना की बात, हम उसको उसकी औकात दो मिनट में दिखा सकते हैं दोस्तों। तो आओ सब आगे बढ़ो, मिलकर सोचो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ बढ़िया सोचो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।